हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शिव सेलर मनीष यादव और मैं आज बात करने वाला हूँ जितने नए लोग मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्रेशर लोग, ट्रेनी ओएस, ट्रेनी वाइपर, ट्रेनी फिटर, ट्रेनी जीएस, जो भी है ज्वाइन करना चाहते हैं शिप पे, तो उनको क्या गलती नहीं करना चाहिए शिप पे, सबसे बड़ा मैं ये बात करने वाला हूँ। क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम शिप ज्वाइन किया था, मेरे से भी गलती हुआ था, मुझे भी कुछ आइडिया नहीं था शिप पे जाने के बाद कैसा रहना चाहिए, क्या करना चाहिए और किससे कैसा बिहेव करना चाहिए, बात करना चाहिए, कुछ भी आइडिया नहीं था। शिप पे आने के बाद भी मुझे पता चला, मैं भी स्टार्टिंग में बहुत बम्बू खाया था। ऐसा कुछ नहीं है भाई कि मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे भी कोई परेशान नहीं किया होगा, पहला शिप पे मैं भी बहुत परेशान हुआ हूँ। तो ये सब से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए शिप पे, एक नॉर्मल आप अपना रूटीन बना लो, कोई परेशान नहीं करेगा, बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट निकलेगा। तो मैं आपको बता दूँ, मैं अपनी एक्सपीरियंस, तो सबसे पहले जितने नए लोग जुड़ रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, जितने नए लोग जुड़ रहे हैं भाई लोग, और कमेंट कीजिए, लाइक कर दीजिए। एक लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है, ठीक है। और बाकी कुछ भी डाउट लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, डायरेक्ट मेरा व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और डायरेक्ट मैसेज कीजिए कोई भी डाउट हो तो भाई, ठीक है ना। माही यादव 83 मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप लोग डायरेक्ट मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप नंबर भी दे दे रहा हूँ। कोई भी सीमेंट साथियों को परेशान नहीं होना चाहिए, खास करके वो मिडिल क्लास वाले लोग, क्योंकि मैं भी एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, ठीक है भाई। तो इस लाइन में मैं भी कैसे कैसे पहुँचा हूँ और अभी तक यहाँ तक हूँ, मेरे को भी पता है भाई, ठीक है। तो आप लोग भी बहुत से होंगे जिनका रेफरेंस है, नो टेंशन, अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छी कंपनी में मिल जाएगी, जिनका फैमिली में है, और जिनका फैमिली में नहीं है भाई उनको बहुत दिक्कत है इस लाइन में। मैं तो बोलूँगा जिनको फैमिली में इस लाइन में नहीं है यार, तो ज्वाइन ही नहीं करो, अगर ज्वाइन करो तो फिर प्लीज़ बहुत टेक केयर, बहुत बहुत मतलब बच के ज्वाइन करो, नहीं तो इस लाइन में एजेंट लोग इतना फ्रॉडगिरी बढ़ गया है कि मत पूछो भाई, कितना फ्रॉडगिरी बढ़ गया, कब कौन आपके साथ ठगी कर लेगा कुछ मालूम नहीं चलेगा, समझ गया साथी। मेरा पहला शिफ्ट था जो वो भी तकरीबन 5000 जीआरटी का था, सेकंड शिफ्ट 28000 जीआरटी का मिला और थर्ड शिफ्ट अभी जो है 22000 जीआरटी का शिफ्ट है। तो ऐसा रहा पहला शिफ्ट भाई, मुझे भी बहुत परेशान किया गया था, ऐसा नहीं है, मैं रियली बताऊँ तो मैं भी शिफ्ट पर ऐसा टाइम आया था जो मैं रोया था, ठीक है, इतना परेशान किया था, ठीक है। कुछ कुछ लोग मिल जाते हैं टॉप वाले जो परेशान करेंगे भाई, लेकिन हमें बचने के लिए भी तरीका है, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले भाई आप ये फॉलो करो रूल, शिप ज्वाइन कर रहे हो तो सबसे पहले अपना मेंटेलिटी दिमाग में डाल लो कि हमें जितने मंथ के कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, कोई भी हालात आ जाए मुझे वो फिनिश करने हैं, मतलब वो उतना टाइम पूरे करने हैं। अगर उतना नहीं पूरा कर सकते हैं, जीपी रेटिंग करके आए हो भाई, तो कोई कितना भी हमें परेशान कर ले, हमें 6 मंथ इधर रुकना है, मतलब रुकना है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि आप उतना पैसे भर के जाते हो शिप पे और वॉचकीपिंग के लिए ही जाते हैं, इतना पैसे देके, तो आपको ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा परेशान हो गया तो मैं छोड़ दूंगा ये लाइन, ऐसा नहीं, ठीक है भाई बाद में तो लाइन छोड़ दो, लेकिन एटलीस्ट 6 मंथ सेलिंग करके ही उतरो, ताकि तुम्हारे पास नहीं लैंड पे जॉब मिले तो ऑप्शन रहे, वॉचकीपिंग निकल जाने के बाद थोड़ा ऑप्शन रहे, रास्ता रहे। अगर वॉचकीपिंग नहीं रहेगा, आप शिप से भी सेलिंग करके आए हो, आपको फ्रेशर ही लोग बोलेगा, कोई नहीं लेगा भाई, ठीक है। तो कहीं भी शिप पे जाते हो, परेशान होते हो, तो पहले माइंड में ये रखना है कि मुझे कितना भी कुछ हो जाए फुल कॉन्ट्रैक्ट फिनिश करना है, नहीं तो 6 मंथ किसी भी हालत में हमें करके शिप से जाना है। मैंने भी 6 मंथ ही सेलिंग किया था पहला जहाज पे, 6 मंथ 1 डे, उससे एक्स्ट्रा नहीं मैं साइन अप लिया था, मैं भी उधर बहुत परेशान हो गया था, बट मुझे पता था इतना पैसे भर के आया हूँ, दोबारा घर वाले पैसा नहीं देने वाले हैं और मुझे दूसरा ऑप्शन नहीं है जॉब के लिए, तो करना है किसी भी तरह। तो मैंने उधर कंटिन्यू अपना 6 मंथ फिनिश किया, उतरा, वॉचकीपिंग निकाला, फिर देखो लग अच्छा जॉब मिल गया, अच्छी कंपनी मिल गया, मैं सेटल हो गया। पहला आपको माइंड में रखना है साथ ही, फिर आपको दूसरा काम क्या करना है, आप जान लो शिप पे ज्वाइन कर रहे हो तो दूसरा काम आपको ये करना है, कभी भी भाई कोई भी आपसे कितना भी फ्रेंड अच्छा हो जाए, जब वो फंसने लगेगा तो वो आप खुद को बचाएगा, आपको नहीं पहले। तो कोई कितना भी अच्छा फ्रेंड बना लो, बनाओ शिप पे, सबसे बात करो, बट किसी की को पीछे पीठ पीछे बुराई मत करो कि हाँ यार वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा करता है, वैसा करता है, कभी नहीं, ऐसी ये शिप पे काम कभी मत करना। चलो क्रू में भी थोड़ा बहुत कर लिया, चल गया डेक साइड में, वो ऑफिसर का पीठ पीछे चुगली नहीं करना, एक होता है ना कुछ चुतिए लोग शिप पे आ जाते हैं, वो ऐसा है वैसा है करके मजा लेगा, उसी में आप भी कुछ बोल दोगे, फिर वही चुतिया जाकर उससे बोल देगा सर आपको ऐसा बोल रहा था, फिर आपको टारगेट कर लिया, अगर आपको टारगेट कर लिया था पूरा कॉन्ट्रैक्ट खराब हो जाएगा भाई, शिप पे काम करने का मन नहीं करेगा। अगर कोई भी एक बंदा आपको टारगेट कर लिया ना, बहुत मुश्किल है शिप पे टाइम निकलना, इसीलिए इधर का दोस्त ही ना गैंगवे तक शिप पर है, जब भी तक है, जैसे ही शिप से उतरा ना बाय बाय, कोई नहीं पूछने वाला है,
कोई याद नहीं रखता लास्ट सीट पे क्या हुआ नहीं हुआ, फिर अगला देखा जाएगा। तो पहला सीट पर पॉलिटिक्स से बचने का, कभी भी किसी का बुराई नहीं करने का भाई, इंजन साइड में हो सेकंड इंजन चीफ इंजन का तो खासकर कभी बुराई नहीं करना है, नहीं कि इंजन साइड का बात सुनकर अपना हमको चीफ इंजीनियर या सेकंड इंजीनियर परेशान कर रहा है तो डेक में जाकर बता दिए डेक वाले मजे लेंगे, या डेक वाले को परेशान कर रहे हैं तो इंजन में बताओगे तो इंजन वाले मजे ले रहे हैं। तो ऐसी गलती नहीं करना है भाई कि हमें प्रॉब्लम हो रहा है तो आपस में इंजन डिपार्टमेंट में हो तो इंजन डिपार्टमेंट में ही शेयर करो कि हाँ यार मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा बहुत शेयर किया, डेक वाले को मत बताओ, अगर डेक में हो तो इंजन वाले को नहीं बताओ, नहीं तो मजे लेते हैं यार, समझ गए दोस्त। तो किसी को बुराई मत करो, आराम से अपना कॉन्ट्रैक्ट निकालो। और हाँ, कभी भी कोई भी आपको काम देता है तो काम यार प्रॉपर करो, अगर नया ज्वाइन किया हो एटलीस्ट 3 मंथ तो ना काम के लिए बोलो ही नहीं कि मैं नहीं करूँगा, जो भी काम दे दें जितना भी कहें ठीक है सर मैं कर दूंगा, जितना होता है आप सोच नहीं करो, ऐसा नहीं है कि 10 काम मिला तो 10 काम हमको फिनिश करना है, नो ऐसा नहीं करना है। आपको 10 काम मिला है तो 5-7-6 काम भी कर दोगे ना तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, टॉप वाला बोल देना सर मैं भी काम कर रहा था इतना ही फिनिश हो पाया, टाइम खत्म हो गया था, ऐसा बोल दो भाई। कोई भी यहाँ पे दुश्मन नहीं है किसी का, कि और कोई भी ऐसा नहीं है कि इतना भी परेशान करेगा, ठीक है दोस्त। तो आप नया नया में काम करने के लिए मना नहीं करो, करते रहो, फिर धीरे धीरे आपको आइडिया हो जाएगा, सब कुछ मालूम हो जाएगा ना, तो कोई परेशान भी करेगा तो कुछ नहीं, आपका ड्यूटी आप आके अपना करोगे जाओगे, समझ गए भाई लोग। क्योंकि पहले जहाज पे मेरे साथ तो बहुत ऐसा हुआ था, सीन आया था 2-3 टाइम। मेरे जो उधर फर्स्ट शिप पे मोटरमैन था वो भी थोड़ा चापलूसी था, जुतियागिरी टाइप का करता था, उसके वजह से परेशान हुआ था, बट कोई नहीं होता है ना। देखो वो आज मुझे परेशान किया, उधर के उधर ही सेल कर रहा है और मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ऐसा नहीं सोचने का भाई, काम अपना प्रॉपर करने का, किसी के पीठ पीछे बुराई नहीं करने का, अच्छा से कॉन्ट्रैक्ट निकालो। ऐसा नहीं है कि सीमेंट का लाइफ बहुत ख़राब है और मर्चेंट ने भी बहुत ख़राब है, ऐसा नहीं है। अगर एक बार लाइन पकड़ लिए भाई तो लाइफ बना देगी, जितना बना देगी, जो साले लोग बोलते रहते हैं ना कि हाँ ऐसा है वैसा है, मर्चेंट ने भी कुछ नहीं है, ठीक है मैं भी ऊपर वाले की कृपा से अच्छा सैलरी भी पा रहा हूँ, ठीक है नेक्स्ट टाइम इससे भी ज़्यादा पाऊंगा क्योंकि इंडियन सीओपी आ जाएगा। और सही है, इतना भी ज़्यादा काम भी नहीं है, हार्ड वर्क भी नहीं है इधर सिप पे, एक बार अगर दिमाग लगा लिए ना आप काम करने में, टाइम पता नहीं चलेगा आपको, टाइम बहुत तेज़ी से निकलेगा। अगर माइंड में घुस गया मुझे घर जाना है घर जाना है, काम ना भी रहे तो चुतियागिरी वाला माइंड में आएगा यार मुझे घर जाना है, तो ऐसा नहीं करना है भाई। हम लोग सारे लोग मिडिल क्लास फैमिली से ही जो रहते हैं, जो जीपी रेटिंग कोर्स करके आते हैं, नहीं तो फिर DNS BSC करेंगे ना, जिनके पास पैसे रहेंगे, तो हम लोग का भी एक मजबूरी रहता है, ऑप्शन नहीं रहता है। मर्चेंट ने भी ना एक मकड़े का जाल है, एक बार घुस गया तो निकलने वाला नहीं है कोई, तो भाई स्ट्रगल करो, स्टार्टिंग में आपको बहुत स्ट्रगल होगा, अगर एक स्टार्टिंग में स्ट्रगल कर लिया ना आपका जीवन बन जाएगा और फैमिली का भी बन जाएगा, और नहीं स्ट्रगल किया तो फिर झंड है यार, जिंदगी झंड है, समझ गए।